मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज हनी तिवारी एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल इंजीनियस प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में मैं आपको एयर के फीचर्स के बारे में बताऊंगी कि एयर जो होती है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो वी विल लर्न दिस थिंग विद अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको करके दिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ दिस बलून। ओके, तो सबसे पहले आई विल ब्लो सम एयर इन टू इट। आई होप यू सी द बलून केयरफुली। बलून में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पहले बलून बिल्कुल थिन सा था, छोटा सा था। अब वो ब्लो, एयर ब्लो होने के बाद ये एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसमें एक बॉल की शेप में आ गया है। यानी इसका क्या मतलब है कि जो एयर होती है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि देखिए इसके अंदर जितना भी स्पेस था वो एयर ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ओके, अब एक चीज़ मुझे और फील हो रही है। तो फर्स्ट फीचर हमारा क्या हुआ एयर का, वो बच्चों वो ये हुआ कि एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी स्पेस को कवर कर लेती है, घेर लेती है। ठीक है, एक तो हमारा फर्स्ट फीचर ये है। सेकंड फीचर हमारा ये है कि पहले जब बलून मेरे हाथ में था मुझे बिल्कुल लाइट लग रहा था, मुझे कोई भी वेट फील नहीं हो रहा था। नाउ आई फील सम वेट। अगर मैं इसमें और एयर फिल करूंगी तो और मुझे थोड़ा सा भारी लगेगा, और एयर फिल करूंगी तो और थोड़ा सा भारी लगेगा। ये बलून जो है वो काफ़ी बड़ा है तो इसमें काफ़ी सारी एयर भी आ सकती है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जो एयर होती है उसमें वेट भी होता है, राइट? तो एयर फर्स्ट फीचर इज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, सेकेंड फीचर इज दैट इट कवर द स्पेस ऑल्सो। ओके, सेकेंड फीचर इज एयर में वेट होता है, इट इज वेटफुल थिंग। यानी कि आप किसी भी चीज़ में अगर एयर को फिल करोगे तो उसमें आपको वेट एयर का जो है वो फील होगा। अगर मैं इस एयर को निकाल दूँ तो यू कैन सी समथिंग रशिंग आउट फ्रॉम द बलून, और ये बलून फिर से अपनी प्रीवियस पोजिशन में आ गया है। तो अभी हमें क्या देखने में आ रहा है कि बलून जो है अब इसमें कोई स्पेस भी नहीं है, कोई इसका जो स्पेस था वो बिल्कुल फिल नहीं है एयर, क्योंकि जा चुकी है, कुछ नहीं है, और इसमें अब कोई वेट भी नहीं है, ये बिल्कुल लाइट वेट हो चुका है। तो यानी एयर में हमें दो फीचर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं कि एयर में वेट होता है और एयर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। थर्ड थिंग जो है वो ये है कि एयर में प्रेशर होता है, क्योंकि जो बलून की वॉल्स थी, बलून की जो इनसाइड वॉल्स थी, एयर ने अंदर जाकर उनमें प्रेशर डाला, और प्रेशर से उस क्या हुआ, वो उसकी शेप चेंज हुई और वो एक बॉल की शेप में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो देयर आर थ्री फीचर्स। फर्स्ट फीचर मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ, फर्स्ट फीचर इज कि एयर में आपका स्पेस ऑक्यूपाई करने की कैरेक्टर होता है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जहाँ भी वो जिस भी चीज़ में होती है वहाँ पर वो एक स्पेस को कवर करेगी ही, जितने अमाउंट में, जितने क्वांटिटी में वो वहाँ होगी। ओके, उसके अकॉर्डिंग सेकेंड थिंग इज़ कि उसमें वेट भी होगा। अगर आप किसी भी चीज़ में एयर को फिल करेंगे तो आपको एयर का वेट फील होगा ही। थर्ड वन इज़ कि उसमें प्रेशर होता है, एयर में प्रेशर होता है, और उसकी वजह से वो कोशिश करती है कि चेंज हो, जो उसकी शेप है जिस चीज़ में वो जा रही है उसकी शेप जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए। ठीक है, और आपने वो स्टोरी सुनी होगी सन एंड द विंड, उसमें आपने देखा होगा कि वो जो उसमें आपने रीड भी किया होगा, कई बार स्टोरी भी आपने देखी होगी, तो वहाँ आपने देखा होगा कि वो मैन होता है, एयर उससे, एयर में, सन में और एयर में ये बैट लगती है कि कौन इस पर्सन का कोट जो है, जो वो ब्लेजर पहने हुए, वो उतरवाएगा। ओके, तो एयर अपनी पूरी प्रेशर लगाती है, तो एयर अपने प्रेशर की वजह से ही बहुत ज़्यादा उस आदमी का कोट बार बार उतरता है, वो बार बार उसे खींचता है। तो वो चीज़ आपको, आप उस स्टोरी से भी अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि जो उसमें प्रेशर था उसकी वजह से ही उसका कोट बार बार उतर रहा था उसकी बॉडी से, वो बार बार उसे खींच रहा था, अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, वो अपनी पूरी एनर्जी उसमें कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा था कि मैं पूरी एनर्जी लगा के किसी भी तरह कोट को पहने रहूं। ओके, तो उस स्टोरी से भी आप सीख सकते हैं कि एयर में प्रेशर होता है, फर्स्ट ये है, और बाकी के दो मैंने आपको जो बताए वो हैं। तो ये आपके एयर के फीचर थे, ये कॉमन फीचर्स हैं, बहुत कॉमन फीचर्स हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं। ये तीन फीचर्स आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ ईवीएस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं, थोड़ी और कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, जब आप, पॉल्यूशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि कंटैमिनेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आप उसके रियल फॉर्म में ना रहकर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से वो अपनी रियल फॉर्म में नहीं रह पाती और डिग्रेड हो जाती है। डिग्रेड यानी कि
पहले से नेगेटिव फॉर्म में चली जाती है, यानी कि अगर वो पहले 100% प्योर थी देन 50% रह जाती है, 40% रह जाती है, 60% प्योर रह जाती है, बाकी का जो उसमें शेयर आ जाता है वो सारा कंटेमिनेट पार्ट का होता है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि मिल्क का एक ग्लास है, अगर वो प्योर है तो वो दैट इज़ प्योर मिल्क, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा पानी भी मिला देंगे और उसमें कुछ और भी मिक्स कर देंगे अगर, तो वो उस उतनी क्वालिटी फुल नहीं रहेगा। वाटर मिक्सिंग के बाद उसका कंटेमिनेशन हो जाएगा, और अगर आप उसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें मिला देते हैं जो कि नहीं हार्मफुल होती हैं, नहीं होती हैं अच्छी, कुछ केमिकल्स भी मिक्स कर देते हैं, तो वो प्रॉपर पूरी तरीके से कंटेमिनेट हो जाएगा और उसकी जो रियल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अब हम एयर पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो एज यू ऑल नो दैट आवर ब्रीदिंग एयर, द एयर इन विच वी ब्रीद ऑन द डेली बेसिस इज बिकमिंग हार्श एंड पॉल्यूटेड डे बाय डे। एंड व्हाई इट इज पॉल्यूटिंग डे बाय डे, बिकॉज ऑफ द फ्लेम, आपका ये जो फैक्ट्रीज से और व्हीकल्स से जो फ्यूम निकलता है, फ्यूम जो होता है वो बहुत ही पॉल्यूटेड होता है, और कई बार लोग गार्बेज को भी बर्न करने की कोशिश करते हैं जिसमें पॉलीथिन्स भी होती हैं, उससे जो फ्लेम जनरेट होती है उससे जो आपका एयर होती है वो पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो जाती है। तो पॉल्यूटेड एयर में हमारा ब्रीदिंग करना बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। हार्मफुल हो कैसे हो जाता है कि जब आप कंटेमिनेट एयर में ब्रीदिंग करेंगे तो आपको कई तरह की एलर्जी, काफ़ी सारे ब्रीदिंग रिलेटेड डिजीज़ हो जाते हैं, तो वो वाली सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो आज हम थोड़ा सा आपकी बुक रीडिंग कर लेते हैं। बुक में जो दिया गया है, सो एयर दैट वी ब्रीद हैज़ बिकम वेरी डर्टी एंड पॉल्यूटेड ड्यू टू वेरियस रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूम्स फ्रॉम द वेरियस फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स मेक द एयर पॉल्यूटेड, एंड बर्निंग ड्राई लीव्स, बर्निंग गार्बेज ऑल्सो पॉल्यूट्स एयर, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विच आर हार्मफुल फॉर द एयर। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलीथिन, प्लास्टिक, प्लास्टिक बॉटल्स, दे नेवर डिस्ट्रॉय बट दे मेक एयर पॉल्यूटेड वैन वी बर्न दैम। ओके, सो ब्रीदिंग इन द पॉल्यूटेड एयर इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज इट कॉज मैनी एलर्जीज एंड ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर द ट्रीज एंड एंड इट मेक्स द वेदर वेरी हॉट। ओके, सो पॉल्यूटिंग केमिकल्स हैव मेड होल्स इन आवर एटमोसफियर, द ब्लैंकेट दैट कवर्स द अर्थ, सो ड्यू टू दिस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आर एंटरिंग द अर्थ एंड कॉजिंग मैनी डिजीजेज। सो एज यू अंडरस्टैंड, द एयर पॉल्यूशन इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट वॉट इज एयर पॉल्यूशन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो कम्प्लीटली, what the features of the air, what the air pollution is. Thank you very much. Have a nice day.